क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा ये 3। एक्सरसाइज कौन सी है ये 7.1। 7.1 देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायग्राम तो आप साइड में देख ही रहे हैं। एक तो इस क्वेश्चन में दिया है कि ए सी एंड बी डी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, ए सी एंड बी डी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। ए सी देखो कहां पर है, ए डी, सॉरी ए डी एंड बी सी, ए डी ये है, बी सी ये है, और ये दोनों इक्वल हैं। मतलब ए सी किसके इक्वल, सॉरी ए डी किसके इक्वल है, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। एक तो ये हमें दिया हुआ है। सेकंड, इन्होंने साथ में ये भी बोला है कि ए सी एंड बी डी आर इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब वो परपेंडिकुलर भी है। तो ये परपेंडिकुलर किस पे है बच्चों, देखना जरा। ये आपको ए बी लाइन दिखाई दे रही है, ये जो ए डी है ये ए बी के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल। इसी तरह से, इसी टाइप से ये जो बी सी है ये भी ए बी पे परपेंडिकुलर है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। ये समझ आया? ठीक है, मतलब एंगल ए क्या है बच्चों, एंगल ए और एंगल बी दोनों ही क्या है, 90 डिग्री। क्या है, सबको क्लियर है? गुड। नेक्स्ट, आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। इसका क्या मतलब हुआ, सी डी ये हमारी सी डी लाइन है, देख रहे हो, सी डी ए बी को बाइसेक्ट करती है, ए बी को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर ये सी डी लाइन ए बी को बाइसेक्ट करेगी तो ये वाला पोर्शन यानी कि ओ बी किसके इक्वल होगा, ओ ए के इक्वल होगा। लेकिन ये हमें प्रूव करना है, ये हमें दिया नहीं, हमने हमें ये प्रूव करना है कि ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और हम ऐसे कह दें, और हमें क्या प्रूव करना है, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। क्या ये सबको समझ आया? ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये हम करेंगे कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से, ये हम किसकी हेल्प से करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से। जिन दो ट्राइंगल्स में मैंने ये क्रॉस लगाया है, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। कैसे कर सकते हैं, देखो बच्चों, एक तो ट्राइंगल हमारी हो गई कौन सी, ओ दिस ओ ए ए एंड सी, कौन से ट्राइंगल, ओ ए डी, सॉरी ओ ए डी। और एक दूसरी ट्राइंगल हमारी कौन सी, ओ बी सी। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। तो पहले आपको क्या लिखना है, इन ट्राइंगल ओ ए डी, ओ ए डी एंड दूसरी ट्राइंगल क्या है बच्चों, ओ बी सी, ट्राइंगल ओ बी सी। इन दोनों ट्राइंगल्स को आप ध्यान से देखिए, आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, यहाँ से हम तीन ऐसी चीजें जो हमारी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने में हेल्प करती हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं। एक तो बच्चों हमें ये साइड इक्वल दी हुई है, ये साइड इस ट्राइंगल की दिस साइड के इक्वल दी हुई है। ठीक है बच्चों, कौन सी साइड, ए डी, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। देखो ये गिवन था ना ये गिवन, तो यहाँ भी हम गिवन ही लिखेंगे। और साइड में ये जो इंफॉर्मेशन है ये लिखना कंपलसरी होता है, टीचर कई बार इनका एक एक नंबर काट लेता है पूरा। ए डी इज इक्वल टू बी सी एक बात। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये जो एंगल है एंगल ए, समझ रहे हो ना, एंगल ए, एंगल ए
कौन से ट्राइंगल का है? ODA का है। किसका है? ODA का। ये किसके इक्वल है देखो जरा, कौन से एंगल? बी के इक्वल। एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल बी के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हैं। ठीक है, 90 डिग्री ईच, दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, इसलिए दोनों बराबर हो गए। उसके बाद बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इसको कहता हूँ एंगल वन, इसको कहता हूँ एंगल टू, तो क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है? और वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, सो क्या हम ऐसा कह सकते हैं एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू? रीजन इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, समझ आए? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी इस बेस पे या नहीं होंगी? क्या इस बेस पे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकती है? बच्चों दो साइड सॉरी दो एंगल और एक साइड, किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड के इक्वल हो जाएं, तो ट्राइंगल क्या होती है? तो कौन सी ट्राइंगल? देयरफॉर ट्राइंगल कौन सी? ओएडी। ओएडी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? ओबीसी के। ओबीसी, ये जब ट्राइंगल्स के नाम लिखते हैं बच्चों, तो ये नाम बहुत ध्यान से लिखना है आपको। देखो इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट ये जो पॉइंट है ट्राइंगल ओएडी का, ये जो पॉइंट है दूसरी ट्राइंगल के सेम पॉइंट के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग है। इस ट्राइंगल में ए पे 90 डिग्री है और यहाँ पर बी पे 90 डिग्री है, तो ओ के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। अब बच गया डी, डी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा? सी के। तो ट्राइंगल का नाम अगर आप ओ ए डी लिखते हो फर्स्ट ट्राइंगल का, तो फिर दूसरी ट्राइंगल का नाम आपको क्या लिखना पड़ेगा? दूसरी ट्राइंगल का नाम आपको क्या लिखना पड़ेगा? ओ के जगह पे आप ओ ही लिखेंगे, ओ के जगह पे ओ लिखेंगे, ए वाले पोजीशन पे, ए आपने सेकंड नंबर पे लिखा है ना यहाँ पर, तो यहाँ जब यहाँ आप लिखेंगे तो सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे बी, क्योंकि ए के कॉरेस्पॉन्डिंग बी है। फिर डी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? सी, इसलिए डी वाली जगह पे थर्ड प्लेस पे आप सी लिखेंगे, समझ आए? तो ट्राइंगल ओ ए डी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ओ बी सी के, समझे आप? ये ऐसे करें। अब आप देख रहे हो हमारी कौन सी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी। शुरू में जिनमें मैंने दिन दो ट्राइंगल्स में मैंने क्रॉस लगाया था, वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अच्छा कौन से रूल से हुई? कितने रूल होते हैं अभी तक जो हमने पढ़े हैं? वो तीन रूल पढ़े, उन्हीं में से कोई एक रूल होगा ये, ठीक है। किस रूल से हुई ये? बाई ए एस सॉरी ए एस रूल, ठीक है, ए ए एस रूल, ठीक है, बाई ए एस रूल। और अगर ये ए एस रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखो जरा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट अगर इक्वल हैं, तो बच्चों ओ डी ओ के कॉरेस्पॉन्डिंग ओ है दोनों ट्राइंगल्स में, यहाँ पर ए के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका बी है, तो जो ओ ए साइड बनेगी, ओ ए साइड देख रहे हैं ना, ओ ए साइड ये वाली, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल में ये साइड होगी जो अभी अभी मैंने येलो मार्क करी है, ठीक है। तो ओ ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा, कौन सी साइड होगी दूसरी ट्राइंगल में? ओ बी, क्लियर है ये चीज़? ओ ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? ओ बी। अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है तो फिर ये
इक्वल होगी, क्यों? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, और इसका रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स सीपीसीटी। ये सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल करने के लिए यूज होता है। कुछ बच्चे क्या समझ लेते हैं, ये ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने का कोई रूल है, ऐसा नहीं है। ये ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं तो उनके पार्ट्स को इक्वल लिखने का रूल है। ये तो हमें पता है कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए होता है ये, ठीक है। ये कोई कॉन्ग्रेंट प्रूव करने का रूल नहीं है, क्लियर ये चीज। तो ये सीपीसीटी तो तब लिखोगे जब आप किन्हीं दो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रेंट पार्ट्स को इक्वल लिख रहे हो, तब, क्लियर है। चले आगे। अच्छा तो एक बात बताओ, ओ ए अगर ओ बी के इक्वल आ गया तो ओ क्या बन गया बच्चों? ओ इज मिड पॉइंट, ओ इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट? ऑफ ए बी। ओ क्या है बच्चों? ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। और हमें यही तो प्रूव करना था, ये जो बी सी डी साइड है, सी डी देख रहे हो ना आप कहाँ पर है, ये जो सी डी साइड है ये ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि मिड पे कट कर रही है। तो ओ अगर मिड पॉइंट है तो ये हो गया कि सी डी क्या कर रही है, ए बी को मिड पे कट कर रही है। दिस इम्प्लाइज, ये लिखना, यही प्रूव करना था ना हमें, सी डी बाइसेक्स बाइसेक्ट ए बी, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। बताओ अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी ने डायग्राम को देख लिया है, एक हमें लाइन एल गिवन है, एक लाइन एम गिवन है, एंड ये एल और एम कैसी लाइन है? पैरेलल है। एल किसके पैरेलल है? एम के। एल और एम कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन, करेक्ट। कंफ्यूजन किसी को? पी और क्यू कैसी लाइन है? ये P लाइन है, ये Q लाइन है। P क्या है? P इज पैरेलल टू Q। P और Q कैसी लाइन है? पैरेलल है। L एंड M आर टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर P एंड Q। और आपको टू क्या शो करना है? शो दैट क्या प्रूव करना है आपको? ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रेंट है? ट्राइंगल सी डी ए, ट्राइंगल सी डी ए के कॉन्ग्रेंट है, ये आपको प्रूव करना है, श्योर। अच्छा देखो बच्चों, क्या कोई बच्चा बताना चाहेगा कैसे करेंगे? चलो आप बताओ बच्चों, हमें दो ट्राइंगल कौन सी कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है? ट्राइंगल ए बी सी, ये कौन सी ट्राइंगल है? ट्राइंगल ए बी सी। दूसरी ट्राइंगल क्या है? सी डी ए, सी डी सी डी ए, यानी कि ये वाली ट्राइंगल। जिन दो ट्राइंगल्स में मैंने क्रॉस लगाया है वो दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी। अच्छा कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन क्राइटेरिया पड़े हैं अभी तक हमने, उन्हें में से कोई एक अप्लाई करेंगे, ठीक है, समझ गए सभी बच्चे? अच्छा मैं कुछ एंगल्स मार्क कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखने हैं। एंगल वन, ठीक है, एंड एंगल टू, एंगल थ्री एंड एंगल फोर, ठीक है, रुक जाओ। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, इन दोनों ट्राइंगल्स में, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी देख लेना सभी ने, पहले वाली ट्राइंगल जिसमें मैं अभी वन लिख रहा हूँ, और दूसरी ट्राइंगल ए बी सी एंड, ए बी सी एंड दूसरी ट्राइंगल कौन सी है बच्चों? सी डी ए, सी डी ए, ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपकी ये वाली लाइन है, मैं लाइन बात कर रहा हूँ पी लाइन की, पी लाइन ऐसे है, क्यू लाइन ऐसे है, ये एक पी लाइन है आपकी, एक क्यू, डायग्राम में आप
देखो जरा, पी और क्यू लाइन ऐसे हैं और बच्चों ए बी इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, ये ए है ये बी है, तो ए बी क्या हो गई? ट्रांसवर्सल। ए बी कैसी लाइन हो गई? मतलब पी और क्यू क्या है? पी किसके पैरेलल है? क्यू के। और ए सी, सॉरी यहाँ पर ए सी है भाई, ए सी क्या है? ट्रांसवर्सल। एक बात बताओ, ये एंगल वन और एंगल फोर, अच्छा इन एंगल्स को मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ भाई, ठीक है, एंगल्स को भी मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ एंगल टू और इसको कर रहा हूँ मैं थ्री और ये फोर है। अच्छा एक बात बताओ, ये एंगल वन मार्क किया हुआ है हमने, यहाँ वाला एंगल टू मार्क किया हुआ है, तो एंगल अगर ये दो लाइन पी और क्यू पैरेलल लाइन है, ए सी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल वन और टू कैसे एंगल है? कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और पी और क्यू पैरेलल भी हैं, जब दो लाइन पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करती हो, तो ऑल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल। लाइन अगर पैरेलल हो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो एंगल वन किसके इक्वल होगा? टू के। तो क्या लिखेंगे बच्चों? एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कौन से एंगल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। तो आपको ये पता लग गया, पहली ट्राइंगल का एक एंगल दूसरी ट्राइंगल के एक एंगल के इक्वल है, ठीक है। आप क्या करेंगे बच्चों? देखो जरा, लिख लिया सभी ने ये? आप देखो जरा, फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल थ्री देखो, एंगल थ्री। अच्छा इसमें भी जैसे बच्चों, ये एक लाइन M है, ये लाइन N है, और N किसके पैरेलल है? M के। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, और ये हो गई ट्रांसवर्सल। तो बच्चों ये कौन सी ट्रांसवर्सल? AC, AC हो गई ट्रांसवर्सल। इस एंगल को हमने थ्री मार्क किया हुआ है, इस एंगल को फोर मार्क किया हुआ है, देखो डायग्राम में, पहले वाले मेन डायग्राम में। तो ये दोनों लाइन N एंड M क्या है? पैरेलल है, ठीक है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो थ्री और फोर कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर लाइन पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? इक्वल। तो थ्री किसके इक्वल होगा? क्लियर है सबको? एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, रीजन बताओ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल्स? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, क्लियर है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जो हमने पहली ट्राइंगल देखी थी ना, ट्राइंगल कौन सी? ए सी बी, ए सी बी, और दूसरी ट्राइंगल हमारी कौन सी? ये वाली। एक बात बताओ, अगर मैं अब मैं इन पैरेलल लाइंस को हटा देता हूँ, पैरेलल लाइंस को हटा देता हूँ, अब एक बहुत काम की चीज़ समझाने वाला हूँ, वो बहुत बच्चे गलती करते हैं, हर क्वेश्चन में गलती करते हैं। आपके पास दो ट्राइंगल बनी हुई है, ये ट्राइंगल है ए बी सी, यही बनी हुई है ना, देखो यहाँ पर ट्राइंगल वन, ट्राइंगल वन का ये वाला एंगल हमने वन लिखा हुआ है, ये वाला एंगल थ्री लिखा हुआ है, ठीक है। और ऐसे ही मैं इस ए बी साइड को, ये ए बी साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है ना, मैं उसको अलग अलग बना रहा हूँ, ठीक है, और आप देखना क्या डिफरेंस है। एक बात बताओ, यहाँ जो एंगल है वो क्या लिखा हुआ है? टू। मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो ये एंगल क्या है? टू, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट तो दोनों ए ही है ना, ये वाला ए है और ये बी है, यहाँ जो एंगल लिखा है दूसरे ट्राइंगल में, सेकेंड ट्राइंगल में, वो क्या है? फोर, राइट right? और यहाँ जो पॉइंट लिखा हुआ है, जो वर्टेक्स लिखा हुआ है, वो क्या है? करेक्ट। बच्चों पहली ट्राइंगल में ए पॉइंट पे जो एंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल में ए पॉइंट पे जो एंगल है, दूसरी ट्राइंगल के किस पॉइंट पॉइंट पे है वो एंगल? इस पॉइंट पे,
और ये पॉइंट बी है, क्या है ये पॉइंट बी। देखो हमने लिखा ना एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, तो ए पॉइंट का एंगल कौन सा? आप बहुत लेट बताते हो, पहले क्यों नहीं बताते थे? ये सी है और ये बी है, तो ए फर्स्ट ट्राइंगल के ए पॉइंट पे जो एंगल है वो सेकंड ट्राइंगल के किस पॉइंट वाले एंगल के बराबर है? सी के। यानी कि ए के फर्स्ट ट्राइंगल का जो वर्टेक्स ए है सेकंड ट्राइंगल के वर्टेक्स सी के कॉरेस्पॉन्डिंग है। अच्छा ये बताओ फर्स्ट ट्राइंगल के जो सी वर्टेक्स पे एंगल है यानी कि ये वाला एंगल, देखो थ्री इज इक्वल टू फोर है ना, तो ये फोर यहाँ पर है इस ट्राइंगल पे, तो सी पे फर्स्ट ट्राइंगल में सी वर्टेक्स पे जो एंगल है वो सेकेंड ट्राइंगल के कौन से वर्टेक्स के एंगल के इक्वल है? ए पे। फर्स्ट का सी सेकेंड के ए वर्टेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब बचा बी, फर्स्ट में बी बचा है और सेकेंड में डी बचा है, तो वो तो वैसे भी आपस में ही कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, समझ आया? तो यहाँ से अगर हम ट्राइंगल ए बी सी लेंगे तो यहाँ से ट्राइंगल कौन सी लेनी पड़ेगी? सी ए बी। क्लियर है एक बात? अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट ट्राइंगल का कि जो अगर मैं साइड ए बी लिखता हूँ, फर्स्ट ट्राइंगल की ए बी साइड दूसरी ट्राइंगल की कौन सी साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी? देखो ए पे जो एंगल है वो सी वाले एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग है, सी पे जो एंगल है फर्स्ट के सी पे जो एंगल है वो सेकंड के डी के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो फर्स्ट में मैं पहले ए सी लिखता हूँ, ए सी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी? देखो दूसरी ट्राइंगल में ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? सी। और दूसरी ट्राइंगल में सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? ए। दूसरी ट्राइंगल में फर्स्ट में ए सी, तो फर्स्ट ट्राइंगल का जो ए पॉइंट है सेकेंड ट्राइंगल का उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सी है, फर्स्ट ट्राइंगल का जो सी पॉइंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल में ए पॉइंट है। तो फर्स्ट का अगर आपने ए लिखा है तो दूसरी का पहले क्या लिखोगे? सी। फर्स्ट का जहाँ सी लिखा है वहाँ दूसरी का क्या लिखोगे? ए। तो ए सी साइड सी ए के इक्वल हो, ये ध्यान रखना है। बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते हैं और क्या लिख देते हैं? ए सी इज इक्वल टू ए सी, ए सी इज इक्वल टू ए सी नहीं लिखना आपको, क्या लिखना है? क्यों? क्योंकि सी के ए के कॉरेस्पॉन्डिंग सी है दूसरी ट्राइंगल में और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए है, समझ आया? सारे बच्चे इस चीज़ की गलती करते हैं इसलिए आपको समझना है, नहीं समझ आया तो बताओ मैं दोबारा बताता हूँ। क्लियर है? आप इसे लिखेंगे कॉमन, क्या है ये दोनों, ये साइड दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? कॉमन है। अब आप देखो क्या हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जो तीन चीज़ें चाहिए वो तीन हमारे पास हैं? दो एंगल हमारे पास हैं और एक साइड, तो हमारी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कौन से मेथड से हो जाएंगी? ए ए एस, ध्यान नहीं देता है ना? ए ए ट्राइंगल कौन सी? ट्राइंगल ए बी सी, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रेंट होगी? कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, बताओ सी ए डी, ट्राइंगल सी ए डी बाय विच रूल? ए ए एस रूल, ए ए एस, नहीं नहीं कौन सा रूल भाई? ये साइड ए बी सी सी ए डी, अच्छा ए सी भी होना चाहिए, तो ए बी सी लिखेंगे तो फिर क्या लिखना पड़ेगा? ए बी सी लिखेंगे तो देखो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग सी, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग डी और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए, सी डी ए या सी डी ए लिखोगे बाई, बोलो एंगल 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 साइड एंगल रूल, एंगल साइड एंगल रूल, दो एंगल्स और उनके बीच की साइड, ठीक है? ओके उनके बीच की साइड, ठीक है भाई? क्लियर हुआ ये? चलते हैं बच्चों डायग्राम को देखो, क्वेश्चन नंबर फाइव का डायग्राम है ये, ठीक?
ठीक है, आप क्वेश्चन को रीड करो। ये कहता है लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये जो लाइन एल है ना, ये इस एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है। मतलब ये एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये एंगल और ये एंगल, जिसको मैं कह रहा हूँ एंगल वन एंड एंगल टू। ये एंगल वन और एंगल टू बराबर है, इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि लाइन एल इस कंप्लीट एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। लाइन एंगल ने ए पार्ट को, ए एंगल को डिवाइड किया, लाइन एल ने एंगल ए को डिवाइड किया, उससे दो एंगल बने, एंगल वन और टू। वो दोनों एंगल क्या हैं? इक्वल हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। और इसका रीजन क्या है बच्चों? एल इज बाइसेक्टर, एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, एल क्या है? एंगल ए का बाइसेक्टर है, इसलिए ये एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, करेक्ट। उसके बाद बच्चों और क्या दिया है, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। बच्चों बी ये पॉइंट है, ये पॉइंट है बी, यहां से बी पी, ये बी पी, समझ गए बी पी कहां पर है? बी पी इस वाली लाइन पे, इस लाइन का नाम क्या है? चलो ऐसे तो कोई नाम नहीं है, तो ये जो बी पी है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, तो मैं यहाँ पर 90 लिख सकता हूँ क्या? अच्छा, इसी तरह से जो बी क्यू है दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, सो ये भी 90 होगा। समझ आया आपको? दोनों एंगल 90 है, क्लियर है ये है बच्चे को? चलते हैं आगे। हमें ट्राइंगल को, अब हमें ट्राइंगल पहला जो पार्ट है लिख लेते हैं, एंगल पी, एंगल पी कितना है बच्चों, और एंगल क्यू, ये दोनों ही 90 है। क्यों 90 है? कि बी पी जो है, बी पी इज परपेंडिकुलर, चलो रहने दो उसको, ऐसी खास बात नहीं है, 90 लिख दिया तो काम हमारा चल जाएगा, 90 डिग्री ईच। अच्छा अब एक बात बताओ, अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सी? ए बी पी, सॉरी बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड सेकेंड ट्राइंगल कौन सी है बच्चों? ए बी क्यू। कौन सी ट्राइंगल? ए बी क्यू। क्या आपने दोनों ट्राइंगल मिल गई आपको, ये दोनों ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स मिल गई सभी को, कहाँ पर लिखी है? अच्छा इनमें अब देखो क्या क्या कॉमन है, चलो आप बताओ, कोई एक चीज बताओ जो इनमें कॉमन है। एक 90 90 कॉमन है, मतलब एंगल पी किसके इक्वल है भाई? एंगल क्यू के इक्वल है, 90 डिग्री ईच। ओके चलो एक आप बताओ क्या है, फर्स्ट ट्राइंगल का, फर्स्ट ट्राइंगल ये वाली मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल वन सेकंड ट्राइंगल के किस एंगल के इक्वल है? टू। ठीक है बच्चों, और क्या है, और थर्ड कौन बताएगा बताओ? बी कॉमन है, बी कॉमन नहीं है बेटे, ये साइड कॉमन है, पूरी साइड, ए बी साइड, ए बी। अच्छा ये बताओ, ए बी इज इक्वल टू ए बी लिखने चाहिए या बी ए लिखने चाहिए? ए बी इज इक्वल टू ए बी क्यों? जो दो ट्राइंगल बन रही है, जो दो ट्राइंगल बन रही है बच्चों, ये बी पॉइंट है, ये ए है। ट्राइंगल वन में ए पॉइंट पे जो एंगल बना है वो ट्राइंगल टू के भी ए पॉइंट वाले एंगल के इक्वल है, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन हुआ? ए। ठीक है, यहां पर जो पी पॉइंट पे एंगल है, पी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? क्यू, क्योंकि पी पे 90 डिग्री है ट्राइंगल वन में, और इसमें ट्राइंगल सेकेंड ट्राइंगल में क्यू पे 90 डिग्री है, तो पी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा बच्चों? क्यू। अब बचा बी, जो दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन है, तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग अब कौन बचा? बी, बी ही बचा, तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा? बी, राइट। तो अगर हम यहाँ से साइड ए बी बनाते हैं तो यहाँ से भी क्या बनेगी? ए बी, समझ गए? तो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन।
जबकि हमने पिछले ट्राइंगल में क्या किया था, ए बी इज इक्वल टू बी ए किया था, याद है ना आपको? समझ गए कब ए बी इज इक्वल टू ए बी लिखना है, कब बी ए इज इक्वल टू ए बी लिखना है, करेक्ट? हाँ, दो मिनट दो फिर, समझ गए बच्चों? चलो इसको तो मैं मिटा देता हूँ, इधर वाले को तो मैं मिटा रहा हूँ, ये तो आप समझ ही गए, ठीक है? तो यहाँ बताओ, अब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए, थ्री इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंगल पी मिल गया, एंगल वन मिल गया और साइड मिल गई, ठीक है? एंगल पी मिल गया, साइड मिल गई, अच्छा ये बताओ, अब ये साइड एंगल्स के बीच की तो नहीं है ना, ये साइड दो एंगल, एक ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड, दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड के इक्वल है, तो कौन से रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगी? ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ए बी पी, ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू, किसके कॉन्ग्रेंट है? ए बी क्यू के, ए ट्राइंगल ए बी क्यू के, बाय विच रूल? एंगल एंगल साइड रूल। डाउट है तो पूछो, डाउट ही नहीं है, ठीक है? चलो नोट डाउन करो इसको फिर। देखो बच्चों, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें दो ट्राइंगल्स हैं जिनको हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा सिक्स है, सिक्स्थ क्वेश्चन है। ध्यान से देखो बच्चों, एक तो आपको ट्राइंगल ए बी सी दिखाई देगी, ठीक है? आपको ट्राइंगल कौन सी दिखाई दे रही है? ए बी सी, ठीक है? अच्छा, एक आपको ट्राइंगल ए डी ई दिखाई देगी, क्लियर है ये बात सबको? ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी ई, ए बी सी। और बच्चों देखा जाए इस डायग्राम में हमारे लिए इस साइड का कोई रोल नहीं है, इस साइड का हमारे लिए कोई ज़्यादा रोल नहीं है, और होगा तो बाद में देखेंगे। आपको जस्ट ट्राइंगल ए बी सी और ए डी ई को देखना है। आपको गिवन क्या है कि ए बी, ए बी किसके इक्वल गिवन है बताओ जरा? ए डी के इक्वल गिवन है, और ए सी किसके इक्वल गिवन है? ए सी आपको ए ई के इक्वल गिवन है। ये सभी बच्चों ने ध्यान से देखा, क्या सभी को ये साइड मिल गई? ये क्या है? गिवन है। एंड बच्चों एंगल, इसे मैं एंगल वन कह देता हूँ, एंड दिस वन इज एंगल टू। एंगल वन आपको किसके इक्वल गिवन है? एंगल टू, टू के। ये सब आपको क्या है? गिवन है। एंड एक बात बताओ, एक बात बताओ, हमें टू प्रूव क्या है? टू प्रूव क्या है बच्चों बताओ जरा? ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रेंट होने चाहिए? ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई के कॉन्ग्रेंट होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये हमें प्रूव करना। अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, कौन से ट्राइंगल पे जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, मैं कैसे मार्क कर रहा हूँ? लाइक दिस, इस ट्राइंगल को देखो सभी बच्चे, जिस पे की साइड्स पे मैंने ये मार्क किया है, जिस पे मैंने ये मार्क किया है, ये, ठीक है? सभी बच्चे उस ट्राइंगल को देखेंगे, इस ट्राइंगल को सभी बच्चों ने देखा। अच्छा अच्छा ये बताओ बच्चों, अब एक एक मैं और भी मार्क करता हूँ, अब इस ट्राइंगल को देखो सभी बच्चे जिस पे मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल को भी देखो सभी बच्चे। तो पहले जो मैंने लाइट पिंक कलर से जो मार्क की थी, उस ट्राइंगल को देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई, दोनों ट्राइंगल को देखा आपने बच्चों? हमें
देख रहे हो ना दोनों ट्राइंगल्स को, ठीक है। हमें ए बी किसके इक्वल दिया हुआ है, ए बी फर्स्ट वाले ट्राइंगल की साइड है ना, ए बी फर्स्ट ट्राइंगल की साइड है, जो दूसरी ट्राइंगल की कौन सी साइड ए डी के इक्वल है, ध्यान से देखो, दूसरी ट्राइंगल की साइड ए डी के इक्वल गिवन है। ए बी किसके इक्वल गिवन है आपको, फर्स्ट ट्राइंगल की एक साइड जो ब्राउन कलर से मार्क की हुई है उसकी एक साइड दूसरी ट्राइंगल की ए डी साइड के इक्वल गिवन है कि नहीं, मिला सभी को? अच्छा, फिर फर्स्ट ट्राइंगल की साइड ए सी को देखो सभी बच्चे, ए सी को, ए सी किसके इक्वल गिवन है, देखो ए के इक्वल गिवन है, ठीक है, ये सब तो हमें गिवन है पहले से ही। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, ट्राइंगल ए बी सी का जो वर्टेक्स ए पे एंगल है वो क्या है, यानी कि ए ए सॉरी बी ए सी एंगल, सभी बच्चों को भी एक बी ए सी एंगल मिला, बी ए सी एंगल का ये पूरा बी ए सी एंगल है, मिला सभी बच्चों को, इसका थोड़ा सा पोर्शन, देखिए कौन से ट्राइंगल का एंगल है ये, ए बी सी का, और इधर देखो बच्चों ये कौन से ट्राइंगल का एंगल है जो मैंने अभी मार्क किया, कलर में बदल देता हूँ, कलर बदल देता हूँ, ये जो येलो कलर से मार्क किया ये कौन से ट्राइंगल का एंगल है, ये ए डी ई का एंगल है। अगर देखो दो साइडें हम प्रूव कर चुके हैं इक्वल है, अगर हम उन साइड्स के बीच का एंगल प्रूव कर देते हैं इक्वल तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल बी ए सी किसके इक्वल है, डी ए ई के इक्वल प्रूव करना है, डी ए ई मिल गया सभी को, फिर से सुनो, बी ए सी को डी ए ई के इक्वल प्रूव करना है। क्या सभी बच्चे एंगल वन को देख पा रहे हैं, एंगल वन को देख पा रहे हैं सभी बच्चे, एंगल वन और टू इक्वल दिए हुए हैं, क्या सभी बच्चों को ट्राइंगल ट्राइंगल के अंदर एंगल वन दिखाई दे रहा है और टू दिखाई दे रहा है। अच्छा बच्चों ये बीच में जो ये पोर्शन है ना एंगल का, ये वाला जो इतना पोर्शन है, इसको मैं एक्स अज्यूम कर रहा हूँ, क्या अज्यूम कर रहा हूँ, तो मुझे ये बताओ एंगल वन प्लस एंगल एक्स, अगर वन और टू इक्वल हैं तो मैं दोनों साइड इसमें क्या ऐड कर रहा हूँ, एंगल एक्स ऐड कर रहा हूँ, तभी तो ये इक्वल रहेंगे। अगर जो चीज़ पहले से इक्वल है उसमें बहुत साइड आपने इक्वल चीज ऐड कर दी तो इक्वल करेगी, ठीक है। मान लो आपके पास एक कुछ सामान है 10 kg एप्पल है, इसके पास भी 10 kg एप्पल है, आप दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ एप्पल है, अब मैं आपको 2 kg और दे देता हूँ दोनों को, तब भी तो बराबर ही रहेंगे आप दोनों के एप्पल्स, ठीक है। तो हमारे पास पहले एंगल वन और टू इक्वल थे, उन दोनों साइड हमने इक्वल एंगल ऐड कर दिया एक्स, तब भी तो नया जो एंगल बनेगा वो भी तो इक्वल रहेगा। एक बात बताओ एंगल वन प्लस एंगल एक्स क्या है, एंगल वन प्लस एंगल एक्स ये तो वन है और ये साइड में एक्स है, दोनों मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी किसके इक्वल है, एंगल टू प्लस एक्स किसके इक्वल है, बच्चों ये पोर्शन तो टू है और इसमें एक्स और ऐड हो गया डी ए ई, कौन सा एंगल बन गया डी ए ई, समझ आया आपको। अब ध्यान से देखो दोनों ट्राइंगल्स की दो साइड, फर्स्ट ट्राइंगल की टू साइड दूसरी ट्राइंगल की टू साइड्स के इक्वल है और उनके बीच का एंगल, फर्स्ट ट्राइंगल की जो दो साइड है उनके बीच का एंगल दूसरी ट्राइंगल की हमने जो दो साइड यूज किए हैं उनके बीच के एंगल के बराबर है, ठीक है। अगर मैं इन ट्राइंगल्स को अलग अलग बना के दिखाऊँ आपको, जरूरत है बनाने की, नहीं है ना, तो यहां से क्या आएगा, यहां बताओ जरा, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्राइंगल ए डी ई के, बाय विच रूल, एस पहले हमने साइड दो साइड और उनके बीच का एंगल लिया है, एस ए एस रूल, समझ आया। इसी के आगे के पार्ट में क्या दिया है बच्चों, देन शो दैट। अच्छा एक बात बताओ, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो कौन सा पार्ट इक्वल होगा,
पहली ट्राइंगल की जो बीसी साइड है, पहली ट्राइंगल की, फर्स्ट ट्राइंगल की जो बीसी साइड है वो दूसरी ट्राइंगल की कौन सी साइड के इक्वल होगी? डी के। बाय विच रूल? बाय सी पी सी सी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। समझ आए? चले आगे, ठीक है, कर लोगे यहाँ तक? चलो इसको आपको कंप्लीट करना है यहाँ तक, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।